दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन तस्वीरों को देखने से सुनने से पहले एक बार शेयर कीजिएगा। दरअसल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर मोदी के मंत्री ने यानी कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर से मुनाबाव के लिए जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि वहाँ के लोगों की जो है सीमावर्ती लोगों की लंबे समय से मांग थी कि शाम के समय एक ट्रेन होनी चाहिए, जिसको लेकर सुबह सुबह जो वहाँ से लोग आते हैं बाड़मेर में अपना कामकाज करने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए एक ट्रेन शुरू होना ज़रूरी है, जिसको लेकर आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बाड़मेर से मुनाबा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन बाड़मेर 5:15 बजे से रवाना होगी और मुनाबा के लिए शाम को 5:15 बजे रवाना होगी। आज मोदी के मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इस ट्रेन को सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जाने वाली शाम की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें बाड़मेर के रेलवे स्टेशन की है। अब ट्रेन शुरू होने के बाद में यहाँ पहुँचे कुछ यात्री, उनका क्या कहना है हम आपको आगे के वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके कि बाड़मेर से मुनाबा के लिए अब शाम को भी ट्रेन है। तस्वीरें बाड़मेर के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बाड़मेर से मुनाबा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और बाड़मेर 5:15 बजे शाम को 5:15 बजे ये ट्रेन जो है सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। सुबह मजदूरी करने के लिए अपने गांव से बाड़मेर शहर की तरफ आते हैं, तो शाम को वापस जाने के लिए उनके लिए ये ट्रेन काफ़ी कारगर साबित होगी। यहाँ पहुँचे यात्रियों का क्या कहना है जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद भैराणी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगरा रोड जा रहे हैं, आज आए थे अभी ट्रेन से 12:30 बजे सरकारी जो काम वगैरह निपटा के और अब शाम को जा रहे हैं। कितना सामना हो रहा है, जी को धन्यवाद दे रहे हैं और कैलाश जी चौधरी को साहब को धन्यवाद दे रहे हैं। और इसमें एक हमारी रिक्वेस्ट व्यापारियों की है, आप एक टीटी जरूर रखो। पहले भी यह ट्रेन चालू हुई थी, टीटी की वजह से बंद हो गई, और टीटी की वजह से नहीं रखोगे तो जय भी नए दिन चले जाएंगे और ट्रेन बंद हो जाएगी। क्यों टीटी की वजह? सभी ऐसे है, चेकिंग नहीं होती है तो चलो चढ़ जाते हैं। तो थोड़ा आदमी लोग को क्या कहेगा, थोड़ा भय और भय जैसी प्रीत नहीं। पहले ट्रेन पहले भी यही टाइम था। कब हुई थी? यह 2 साल हो गए पहले भी। दो साल पहले हुई थी? हाँ हुई थी, पर बंद हो गई। ट्रेन में टिकट लिया नहीं, सब ऐसे जाते थे। उस हिसाब से कितनी चली थी वो? 3 महीने चली। 3 महीने? हाँ, टीटी की वजह से आज करोड़ों की गाड़ी मिल रही है इनको, और एक टीटी नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से सब बंद हो जाएगी। यह हमारी रिक्वेस्ट है व्यापारी आदमियों की, टीटी जरूर रखना, और इसमें टीटी का फायदा नहीं होगा तो ट्रेन बंद हो जाएगी। हाँ। नौ दिन के बाद यही बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने घर जाएंगे शाम को। हाँ। और व्यापारी आदमी भी है, शांति है, बाल बच्चे वगैरह सब एकदम साथ में जाएंगे, एकदम कोई कोई भय नहीं, प्रीत नहीं, अकेले आओ अकेले जाओ। हाँ। यह है, और हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते करते टीटी जरूर रखो। ठीक है, धन्यवाद।